हिंदुस्तान में करोड़ों स्टूडेंट्स, करोड़ों दफ्तर और करोड़ों उपभोक्ता, सरकारी सुविधाओं के रोज करोड़ों लोगों की भागदौड़, रोज करोड़ों लोगों की लेन देन, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स बिल, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई देते देते थक जाता है तो कोई लेते लेते, कहीं डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने का खतरा तो कहीं उन्हें खो जाने का डर, और कहीं एक आध डॉक्यूमेंट भूल गए तो इससे बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। पेपर वर्क की इस दौड़ में कोई मिल्खा सिंह बन जाता है तो कोई पीटी उषा, और माफ कीजिएगा अगर कहीं बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा आ गई तो बेचारे गरीब इंसान तो उस कागजों के साथ अपना अस्तित्व ही खो बैठेगा। अरे बस यही सब करता रहेगा इंडिया तो काम कब करेगा। इसलिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दी है एक ऐसी सिक्योर्ड और सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकृत ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग की सुविधा, डिजी लॉकर। आमतौर पर डॉक्यूमेंट की लेन देन ईमेल या कोई अन्य डॉक्यूमेंट शेयरिंग पोर्टल या क्लाउड स्टोरेज ऐप की मदद से भी मुमकिन है, लेकिन आज के डिजिटल युग में नागरिकों को सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग की सुविधा जो सरकार द्वारा अधिकृत हो। इसलिए अब आप सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक डिजिटल लॉकर में अपलोड करिए और उन्हें सिर्फ एक क्लिक के साथ शेयर कीजिए किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के साथ, क्योंकि उनको शेयर करने में सिर्फ देखने और प्रिंट करने की अनुमति देता है डिजी लॉकर। मतलब छेड़छाड़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। केवल आप ही नहीं, सरकार भी करेगी आपको मदद। भेजे हुए हर एक डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी इस लॉकर में अपलोड, यही तो बनाता है डिजी लॉकर को बाकी सारे क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन से अलग। इन फीचर से डिजिटल लॉकर बन जाएगा ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम जिनके द्वारा सरकार आपको भेज पाएगी आपसे संबंधित सारे ई डॉक्यूमेंट्स। इतना ही नहीं, आने वाले समय में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के ऑनबोर्ड आ जाने से किसी भी शेयर किए गए ई डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता की पुष्टि भी की जा सकेगी, तो ना अब उठेगा कागजों के सुरक्षा का सवाल, और जरूरत पड़ने पर आप तुरंत ही उन्हें एसएस भी कर पाएंगे। पर यह सब होगा कैसे? सिर्फ अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए www.digilocker.gov.in पर रजिस्टर करिए, या फिर सीधे पहुंच जाइए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर, जहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अथवा मोबाइल नंबर से होगा आपका रजिस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, जिन नागरिकों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें भी मिलेगा इस सुविधा का लाभ। अपने मोबाइल नंबर और उस पर उन्हें मिले ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के जरिए वो कर पाएंगे साइन अप। साथ ही में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उन्हें अपलोड करनी होगी सरकारी संस्थान द्वारा जारी किए गए एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के स्कैन्ड कॉपी। रजिस्टर होने पर आप पाएंगे अपने एक पर्सनल अकाउंट, जहां स्कैन्ड करके अपलोड करिए अपने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स और उन्हें ई साइन करके लॉक कर दीजिए इस लॉकर में। हो गया ना इन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना मुमकिन। इतना ही नहीं, अब ई डॉक्यूमेंट्स को तुरंत ही एसएस, ई साइन, स्टोर और शेयर करने की यह सुविधा अब नागरिकों के लिए उपलब्ध है उनके मोबाइल पर भी। डिजिटल लॉकर मोबाइल ऐप इंस्टॉल करिए और एक बार कागजों का बोझ घटेगा तो सरकार भी नागरिकों को प्रदान कर पाएगी कुशल नागरिक केंद्रित सेवाएं। अब ना कोई धक्के खाएगा, ना वक्त गंवाएगा, बल्कि सैकड़ों पेड़ों को कटने से बचाएगा इंडिया। आखिर टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है बचाना, चाहे वो वक्त हो या लेबर, पेड़ हो या पैसा। बड़े बड़े लोगों के पास तो 100 रास्ते होते हैं, पर जो एक छोटे से छोटे आदमी की जिंदगी को भी आसान बनाए उसे कहते हैं डिजिटल इंडिया। अब बैंक का काम हो या बीमा का, एडमिशन हो या पासपोर्ट, कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक, शेयर और रिलैक्स। डिजिटल लॉकर, क्रिएटिंग पेपर फ्री इंडिया। आइए बनाते हैं पेपर फ्री इंडिया। पेपर फ्री नागरिक सेवाएं, पेपर फ्री सरकार। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।